कहने की जरूरत है कि मैं कौन हूं? भाई मैं जानता हूं कि आप मुझे बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि मैं आपके परिवार का एक सदस्य हूं। रोज शाम को आपको मिले वो आपके परिवार का सदस्य ही हो सकता है। तो मैं आपके परिवार का एक सदस्य शैलेश लोढ़ा, और आपका और हमारा दोनों का परिवार बहुत खूब। कुछ लोग जब बातें करते हैं तो इस तरह से करते हैं कि उनकी बात बिगड़े भी नहीं, बात बन भी जाए और बात रह भी जाए। जैसे एक बच्चा दूसरे बच्चे से कहता है, मेरे पिताजी जानता नहीं है, बड़े से बड़ा आदमी इस देश का उनके सामने कटोरा लेके खड़ा रहता है। अब आप देखिए, बात सुनिए, कमाल की बात की। बोले क्या, फिर से बोल। अरे बोले मेरे पिताजी क्या बात करता है, इस देश का बड़े से बड़ा आदमी उनके सामने कटोरा लेके खड़ा रहता है। बोले क्या बात कर रहा है, बहुत बड़े आदमी है तेरे पिताजी? बोले नहीं, गोलगप्पे बेचते हैं। तो उसके सामने जो भी जाता है वो इसी तरह से खड़ा रहता है। अब जिंदगी में ये जो त्वरित बुद्धि है, ये जो हाजिर जवाबी है, ये जो प्रत्युत्पन्न मति है, ये जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है, ये कुछ खास लोगों के पास होती है। और हमारे पास आज ऐसे तीन खास लोग हैं जो हमारे कवि मित्र हैं, जो शायर हैं, जिनके पास ये बुद्धि है। तो आइए मिलते हैं हमारे तीन बुद्धिमान मित्रों से। हमारे साथ कौन कौन है? हमारे साथ है अजय द्विवेदी। चलिए आपका साथ देने के लिए आ रहे हैं आपके पड़ोस की, बिल्कुल आप कानपुर में रहते हैं और कानपुर से थोड़ी दूर आपके प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। लखनऊ से शिखा श्रीवास्तव। अब आपका साथ देने के लिए आ रहे हैं हमारे साथ एक युवा गीतकार है सचिन निडर। तो हमारे साथ सचिन भी है, अजय भी है और शिखा भी है, और ये हमारे साथ तीनों इसलिए हैं क्योंकि तीनों ही बुलाए गए हैं, और अगर तीनों बुलाए गए हैं तो इनका उपस्थित होना स्वाभाविक है, और जब तीनों उपस्थित हो चुके हैं तो कविताएं सुनना भी स्वाभाविक है। तो आइए हम इस महफिल में देर नहीं करते और एक बार इन तीनों के लिए कहते हैं बहुत खूब। तो चलिए महफिल की शुरुआत करते हैं, और महफिल की शुरुआत में मैं बुलाना चाहता हूं एक युवा गीतकार को। इसकी उम्र भी गीत लिखने की है, जिसका मन भी गीत लिखने का है। निडर नाम ऐसा लगता है जैसे कोई वीर रस के कवि हो आप। अपने अपने ये कोमल भावनाओं के साथ निडर कैसे जुड़ गया आपके? सर शहर में सब निडर निडर ही बोलते हैं, तो इससे शहर में सब निडर बोलते हैं इसलिए हमने निडर रख लिया। चलिए ये भी बड़ी अच्छी बात है कि शहर में सब निडर बोलते हैं। अच्छी बात है कि शहर में कोई कुछ और नहीं बोलता, वरना आप वो नाम रख लेते। खैर सचिन निडर के लिए जोरदार तालियां बजाएं। बहुत खूब के दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों जब एक नौजवान लड़का और लड़की जब प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, तो लड़के को लड़की को दुनिया पागल दीवाना कहती है, और मैं इसी के माध्यम से आपके सामने एक गीत प्रस्तुत करना चाहता हूँ। जी सुनाइए। कि दुनिया ने दीवाना समझा, दुनिया ने दीवाना समझा और किया बदनाम, दिल के कोरे कागज पर लिख दिया तुम्हारा नाम। बहुत अच्छे भाई, बहुत बढ़िया। दिल के कोरे कागज पर लिख दिया तुम्हारा नाम। बंस ने, मैं हूँ चांद तुम मेरी चांदनी, मैं हूँ राग तुम मेरी रागनी, मैं संवर तुम खिलता कमल हो, मैं शायर तुम मेरी गजल हो, मैं हूँ सुबह बनारस की तो, मैं हूँ सुबह बनारस की तो तुम अवध की शाम। क्या बात है, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। के कोरे कागज पर लिख दिया नाम, एक सुंदर तस्वीर तुम ही हो, हाँ मेरी तकदीर तुम ही हो, कह दो इन दुनिया वालों से मेरा झा तो हीर तुम ही हो। क्या बात है। मेरा मन है एक मधुशाला, मेरा मन है एक मधुशाला, तुम हो छलकता जान। क्या बात है, दिल के कोरे कागज पर लिख दिया तुम्हारा नाम। अंतिम बंद में एक संदेश देना चाहता हूँ, अपने जीवन में हर व्यक्ति को प्यार मोहब्बत करनी चाहिए। अच्छा। प्यार में जीना, प्यार में मरना, हर दिल में हो प्यार का झरना,
ताजमहल को मन में बसा कर लिखो मोहब्बत का एक सपना। बहुत अच्छे। तुम भी अपने दिल पर लिख लो, तुम भी अपने दिल पर लिख लो मेरा ये पैगाम। वाह। दिल के कोरे कागज पे लिख दिया तुम्हारा नाम। बहुत अच्छे। दुनिया ने दीवाना समझा और किया बदनाम, दिल के कोरे कागज पे। बहुत अच्छे। बहुत बढ़िया सचिन निडर, आपने सारी दुनिया को संदेश दे दिया कि प्यार करना चाहिए। आप शादी हो गई आपकी? नहीं सर, अभी नहीं। अभी नहीं। अच्छा अच्छा। आपके पिताजी को मालूम है कि आप इस तरह के आजकल सत्संग कर रहे हैं, सारे देश में ऐसा संदेश देते घूम रहे हैं आचार्य सचिन कि भाई सबको प्यार करना चाहिए? पता है आप पिताजी को घर पे ये जानकारी कि पूत हमारा किस तरफ जा रहा है, ये मालूम चल रहा है कि नहीं चल रहा है? नहीं मालूम। अब आज तो पता चल ही गया होगा, जब ये एपिसोड आएगा उसके बाद बेटा देख लेना घर जाते ही, है ना। पिताजी कहेंगे अच्छा प्यार करना चाहिए सबको। हो सकता है इस गीत से पिताजी प्रेरणा ले ले, इसलिए जीवन में ऐसी जानकारी सबको नहीं देनी चाहिए। जैसे क्लास में आप कह रहे थे कि सबको मैं कहता हूँ प्यार करना चाहिए, एक क्लास में टीचर ने एक बच्चों को कहा भाई मैं सबको कहना चाहता हूँ कि किसी भी पराई स्त्री को अपनी माँ समझो, इससे तुम्हारा चरित्र सुधर जाएगा। बोले हमारा तो सुधर जाएगा, बाप का बिगड़ जाएगा। इसलिए जीवन में जानकारियाँ ऐसी देनी चाहिए जो काम की हो। लेकिन आपकी बात बिल्कुल ठीक है, प्रेम एक शाश्वत प्रक्रिया है, करनी चाहिए। और करने के पहले ही आपने बता दिया कि दीवाना कह देते हैं लोग, अब कहें तो कहें। तब नवाज देवबंदी साहब अपनी गजल में कहते हैं कि खुश्क नदी में उतरे क्यों और उतरे थे तो डूबे क्यों। भाई वो कहते थे प्यार कर लिया तो कहते हैं खुश्क नदी में उतरे क्यों, उतरे थे तो डूबे क्यों, और आंखें शिकवा करती है ख्वाब सुनहरे देखे क्यों। और कांटों की तो फितरत है, तुम कांटों से उलझे क्यों, और जिनके पर थे कागज के वो बारिश में निकले, इसलिए जिनके कागज के पर हो वो बारिश में नहीं निकले। और आपसे मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, आप जरूर प्यार करिए, हमसे प्यार करिए, हम लौट के आते हैं फिर बात करते हैं। बहुत खूब। लीजिए लौट आए हम फिर से आप ही की महफिल में जिसका नाम है बहुत खूब। और ब्रेक पे जाने से पहले सचिन निडर जो एक निहायत युवा गीतकार हैं और खाचरोद मध्य प्रदेश से हमारे बीच में हैं, एक बहुत खूबसूरत गीत सुना रहे थे। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं गीतों की दुनिया से और कुछ राजनीतिक स्थितियों की चर्चा कर लेते हैं। अब राजनीति पर अगर सीधी सीधी टिप्पणी कर ली जाए तो क्या बात है, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो घुमा फिरा के बात करते हैं। अजय द्विवेदी जो अपना परिचय तो खुल खुल के देते हैं लेकिन जब कविताएं लिखने की बात आती है तो घुमा फिरा के बात करते हैं। तो आइए हम मिलते हैं अजय द्विवेदी। प्रतीकों के माध्यम से मैंने राजनीतिक चुनाव चिन्हों को लिया है मित्रों जी, और अपनी बात रखी है। रचना का शीर्षक है ऐरावत। एक ऐरावत को विचित्र मर्ज था, चलने फिरने में असमर्थ था। विभिन्न पशु चिकित्सकों को दिखलाया गया, जब बात नहीं बनी तब एक ब्राह्मण के पास लाया गया। एक ऐरावत को विचित्र मर्ज था, चलने फिरने में असमर्थ था। विभिन्न पशु चिकित्सकों को दिखलाया गया, जब बात नहीं बनी तब एक ब्राह्मण के पास लाया गया। ब्राह्मण ने ऐरावत को एक गोपनीय औषध व गुरु मंत्र दिया। शैलेश जी जी, ब्राह्मण ने ऐरावत को एक गोपनीय औषध व गुरु मंत्र दिया। व्यवहारिकता में ऐरावत ने वैसे ही किया। 3 वर्ष पश्चात उस गोपनीय औषध व गुरु मंत्र ने ऐसा असर दिखाया कि ऐरावत को 209 किलोमीटर की रफ्तार से भागता हुआ। क्या बात है भाई, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। 3 वर्ष पश्चात उस गोपनीय औषध व गुरु मंत्र ने ऐसा असर दिखाया कि ऐरावत को 209 किलोमीटर की रफ्तार से भागता हुआ पाया। विपक्षी गांव ऐरावत की तीव्र गति देखकर काफी चिंतित व हैरान थे। वह कौन सी गोपनीय औषध व गुरु मंत्र ब्राह्मण ने ऐरावत को दिए जानने के लिए परेशान थे। विपक्षी गण ऐरावत की तीव्र गति देखकर काफी चिंतित व हैरान थे। वह कौन सी गोपनीय औषध व गुरु मंत्र ब्राह्मण ने ऐरावत को दिए जानने के लिए परेशान थे। निठारी कांड की तरह इस ऐरावत कांड के भेद तब खुले
जब ब्राह्मण के आश्रम की सफाई में कुछ क्षतिग्रस्त साइकिलों के अवशेष मिले। बहुत अच्छे। निठारी कांड की तरह इस ऐरावत कांड के भेद तब खुले जब ब्राह्मण के आश्रम की सफाई में कुछ क्षतिग्रस्त साइकिलों के अवशेष मिले। इससे ये अनुमान लगाया जाता है कि ऐरावत साइकिल में सवार होकर के ब्राह्मण के आश्रम तक जाता है। बहुत अच्छे। इससे ये अनुमान लगाया जाता है कि ऐरावत साइकिल में सवार होकर के ब्राह्मण के आश्रम तक जाता है। अत्यधिक दबाव के कारण साइकिल क्षतिग्रस्त हो जाती है जो कि ब्राह्मण के आश्रम में सुरक्षित रखी जाती है। अत्यधिक दबाव के कारण साइकिल क्षतिग्रस्त हो जाती है जो कि ब्राह्मण के आश्रम में सुरक्षित रखी जाती है। गुरु मंत्र के रूप में ब्राह्मण ने ऐरावत को बहुजन से सर्जन हिताय का पाठ पढ़ाया। गुरु मंत्र के रूप में ब्राह्मण ने ऐरावत को बहुजन से सर्जन हिताय का पाठ पढ़ाया और औषधि के रूप में हाथ के पंजे में रखकर कमल के फूल को खवाया। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। अजय द्विवेदी साहब, अजय द्विवेदी जी जो कानपुर में अधिवक्ता हैं और बार एसोसिएशन के कोषाध्यक्ष भी रह चुके हैं और हास्य व्यंग की कविता लिखते हैं। मैंने फिर से बता दिया आपके बारे में, आप बताएं उसके पहले मैंने ये जानकारी दे दी। बहुत बढ़िया, आपने इशारों इशारों में बात कर दी। चुनाव चिन्ह गजब ढाते हैं। मुझे याद है कॉलेज में किसी को मोहब्बत हो गई तो कहा कि क्या करूं, तो बोले लड़की को ले जाके कोई फूल दे दे। अब उसे और कोई फूल तो मिला नहीं, उसने कमल का फूल ले जाके दे दिया। लड़की ने दिया चाटा गाल। तो लोगों ने कहा भाई ये क्या हुआ, बोले कुछ नहीं हुआ, इसने अपनी पार्टी का चुनाव चिन्ह दिया, इसने अपनी पार्टी का दे दिया। तो ये जो पार्टी के चुनाव चिन्ह है ये बड़े कमाल के होते हैं। और ये तो बड़ा अच्छा हुआ कि लड़की जो है वो इस चुनाव चिन्ह वाली पार्टी का समर्थन करती थी। अगर कहीं CPM का समर्थन कर रही होती तो कुछ भी हो सकता था, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है क्योंकि यहाँ तो बात होती है कविता की, शेर व शायरी की और मोहब्बत की। तो आइए मोहब्बत की गाड़ी को हम थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे, लेकिन ब्रेक के बाद। फिर कहते हैं बहुत लीजिए, हाजिर हैं हम फिर से बहुत खूब में और बहुत खूब में। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा एक सेगमेंट जो बड़ा ही लोकप्रिय है और जिसका नाम है भोजपुरी बयारस, सेगमेंट में हम सुनवाते हैं एक हमारी भाषा की अपनी कविता जो आपके दिलों में सीधे उतर जाती है। उसके लिए हमारे पास एक निहायत युवा कवित्री हैं जो हिंदी में भी लिखती हैं बहुत अच्छा और भोजपुरी में भी बेहद अच्छा लिखती हैं, और हमारे बीच आई हैं लखनऊ से शिखा श्रीवास्तव। आप सभी को शिखा का प्यार भरा नमस्कार। भोजपुरी के लिए बुलाया गया है मुझे। भोजपुरी की बात करती हूँ, होली की बात करती हूँ, थोड़ा सा जोड़ती हूँ आपको। उड़े रंग गुलाल, उड़े रंग गुलाल, फागुन महीनवा नीक लागे। उड़े रंग गुलाल, उड़े रंग गुलाल, फागुन महीनवा नीक लागे। और क्या क्या होता है जी, कि पियर पियर सरसों के फुलवा फुलाइल, पियर पियर सरसों के फुलवा फुलाइल, मोरवा के देखते मोरिनिया लुभाइल, मोरवा के देखते मोरिनिया लुभाइल। करे झूम झूम प्यार, करे झूम झूम प्यार, फागुन महीनवा नीक लागे। करे झूम झूम प्यार, करे झूम झूम प्यार, फागुन महीनवा नीक लागे। उड़े रंग गुलाल, उड़े रंग गुलाल, फागुन महीनवा नीक लागे। और घर आंगन की चम चम चमकेला चंदा गगनवा, चम चम चमकेला चंदा गगनवा, गम 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 केला घरवा अंगनवा, गम 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 केला घरवा अंगनवा। बहे फागुनी बयार, खुशी होला अपार, फागुन महीनवा नीक लागे। बहे फागुनी बयार, खुशी होला अपार, फागुन महीनवा नीक लागे। उड़े रंग गुलाल, उड़े रंग गुलाल, फागुन महीनवा नीक लागे। और अंतिम पंक्तियां जी,
पियू पियू पपिहाता चहके चिरैया, पियू पियू पपिहाता चहके चिरैया, अम्मवा की गछिया पे कुह के कोयलिया, अम्मवा की गछिया पे कुह के कोयलिया। खुशी होला अपार गुजे सगरो जवार, फागुन महीनवा नीक लागे, गुजे सगरो जवार, गुजे सगरो जवार, फागुन महीनवा नीक लागे। उड़े रंग गुलाल, उड़े रंग गुलाल, फागुन महीनवा नीक लागे। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया शिखा श्रीवास्तव, आपने बिल्कुल ऐसा वातावरण यहाँ कर दिया जैसे फागुन, बिल्कुल फागुन तो चल आ ही गया और फागुन हमारे आसपास बिल्कुल उपस्थित हो गया। बहुत बढ़िया सुनाया अजय द्विवेदी जी ने, बहुत अच्छा सुनाया सचिन निडर ने और शिखा श्रीवास्तव ने। जब आप इतना अच्छा सुनाते हैं कि लोग इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि हमें लिखते हैं खत और करते हैं ईमेल। एक ईमेल ऐसा ही मेरे पास आया जिसे मैं पढ़ना चाहता हूँ, ये अंग्रेजी में इन्होंने लिखा इसलिए मैं अंग्रेजी में पढ़ देता हूँ फिर अनुवाद कर दूंगा। ये लिखती हैं, डियर शैलेश जी, आई एम पुनीता एंड 23 ईयर्स ओल्ड, आई एम एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट। And first of all, I'm sorry that I'm writing this email in English because I'm good at Hindi, but I cannot write in Hindi, so I'm writing in English. Anyways, ये लिखती हैं कि मेरा नाम पुनीता है और मैं इंजीनियरिंग की स्टूडेंट हूँ और मैं अंग्रेजी में लिख रही हूँ इसलिए क्षमा चाहती हूँ, लेकिन मैं हिंदी समझती हूँ लेकिन अंग्रेजी अच्छे से लिख सकती हूँ इसलिए अंग्रेजी लिख रही हूँ। ये कहती हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशन फॉर कम्प्लीटिंग 250 एपिसोड्स ऑफ बहुत खूब एंड दैट्स अ माइल स्टोन ऑफ इंडियन टेलीविजन, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। कहती हैं कि 250 एपिसोड पूरे करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और ये एक माइलस्टोन है, निश्चित तौर पे माइलस्टोन है। लेकिन आगे एक बहुत अच्छी बात लिखती है कि यू वुड नॉट बिलीव इट दैट यू कम मंडे टू फ्राइडे, सो माय सैटरडेज एंड संडेज आर एब्सोल्युटली एम्प्टी विदाउट बहुत खूब। आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज स्टार्ट दिस शो ऑन द वीकेंड्स ऑल्सो। पुनीता, आपकी ये भावना हम तक मिली। पुनीता कहती हैं कि ये जो शो है ये सिर्फ फ्राइडे तक क्यों दिखाते हैं, शनिवार और रविवार को भी दिखाइए ताकि इनके वीकेंड, इनके सप्ताहांत जो हैं वो खाली न रहे। हम कोशिश करते हैं, हम प्रोड्यूसर्स तक ये बात पहुँचाते हैं, लेकिन आपके इस प्यार, इस मोहब्बत के लिए शुक्रिया कि आप सप्ताह के सातों दिन बहुत खूब देखना चाहते हैं। हम भी चाहते हैं कि हर वक्त हर घड़ी हम आपके साथ रहें, बहुत खूब आपके साथ सुख में रहें, दुख ना हो, लेकिन अगर कभी थोड़ा बहुत हो जाए तो दुख में आपके साथ रहे, हंसी में आपके साथ रहे, चिठोली में आपके साथ बहुत खूब रहे, कभी छोटा मोटा गुस्सा हो जाए तो गुस्से में आपके साथ बहुत खूब रहे, शरारतों में बहुत खूब आपके साथ रहे, बहुत खूब आपके साथ रहे, जिंदगी के हर कदम में, हर रंग में, हर रोशनी में, हर दिशा में, यानी कि बहुत खूब आपके साथ हर वक्त रहे। बहुत